जैसे जैसे मतदान की तारीख 3 नवंबर नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बड़ा मलहरा के अखाड़े में प्रदेश के दिग्गज जनसभाओं को लगातार कर रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सप्ताह में दूसरी बार बड़ा मलहरा क्षेत्र पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह के पक्ष में वोट भी मांगे। बड़ा मलहरा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों का जमकर जवाब दिया। प्रत्याशी को जिताने की अपील के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखा गया। जड़ में लगती है कि ऊपर तने में लगती है, यही पता नहीं है। जाने में खेती बाड़ी, ये जरूर वो कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान नंगा भूखा है। अरे बारे सेठ, तू अमीर, हम मध्य प्रदेश की धरती वाले, हम नंगे भूखे। मेरे बहनों भाई, अपन तो यही मध्य प्रदेश में पैदा हुए। मेरा गांव जैत है और अस्पताल में जन्म नहीं लिया मैंने। जैत के कच्चे घर में पैदा हुआ, मेरी नार भी बही गड़ी हुई है, नरा बही गड़ा हुआ। कमलनाथ तुम बता दो, तुम्हारा नरा कांगड़ा है, पता नहीं भैया कहां से आ गए। मध्य प्रदेश तो जानते नहीं, आगी परंपरा जानते नहीं, बुंदेलखंड तो जानते नहीं। अगर जा पूछ लो कि आला उधर कौन थे, बता दो तो मैं जानता। बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी जात करना पड़ रहा है, यहां की कोई लोकगीत आते हैं? देशराज पटेरिया, स्वर्गीय देशराज पटेरिया का नाम सुना है तुमने? कर्मभूमि है। और दीदी उमा भारती को मैं प्रणाम करता हूं, सचमुच में वह चमत्कारी नेता है। उमा जी जैसा संकल्प, मुझे खुशी है कहते हुए कि एक संकल्प लिया था दीदी ने, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पे, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये उनकी भी कर्मभूमि है। और बड़ा मलहरा मुझे भी प्यारा है, ये नेतृत्व बैठा है इसको प्यारा है। और मैं आज फिर ये कहने आया हूं, प्रद्युम्न तुमने विकास के लिए कांग्रेस छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी विकास का रिकॉर्ड बना के बड़ा मलहरा को दे देगी। मैं हूं दीदी है, गोपाल भार्गव है,